नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। मैं अपने चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है वो हमारा ईएमएमसी के ऊपर है। जी हाँ, ईएमएमसी के कोड लिस्ट, ईएमएमसी में आप कैसे पहचान सकते हैं कौन सा ईएमएमसी है, कौन सा प्योर आईसी है, ईएमएमसी क्या होता है, ईएमएमसी के क्या रेट है, ये सब मैं आपको ए टू जेड जानकारी देने जा रहा हूँ। और मेरा चैलेंज है, यूट्यूब में ऐसा डिटेल में जानकारी किसी ने नहीं दिया है। जो लोग रिपेयरिंग करते हैं ना, उन लोगों को सिर्फ रिपेयरिंग का ही नॉलेज होता है। आईसी में नंबर से वो लोग नहीं पहचान सकते क्या है क्या नहीं, ये मॉडल से पहचानते हैं। ठीक है, रिपेयरिंग वाले लोग भी मेरा वीडियो देखे, क्योंकि आप लोगों को भी सब कुछ आना चाहिए। और बाकी हमारे व्यापारी भाई जो है, जो लोग बड़े महाजन हैं, वो लोग भी देख मेरा वीडियो को देखते रहे, फॉलो करें, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में रैम से माल बिकेगा। फिर आपको परेशानी होगी कि ये कितनी जीबी का रैम है, कहाँ से पता चलेगा रैम है। आप लोगों ने कोड तो सीख लिया, 16 32 64 128 4 8, लेकिन रैम कैसे पता चले? मिस्त्री लोग तो मॉडल के हिसाब से बता देंगे, ये 4 64 है, 3 32 है, 2 16 है, 1 16 है, जो भी है। तो मेरी वीडियो आप देखते रहे, मेरे को जितना भी नॉलेज है मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, कुछ छुपाऊंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो भी है ईमानदारी से आपको बता दूंगा। क्योंकि ये जो फील्ड है, इसमें कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे सब कुछ आता है। किसी को सब कुछ नहीं आता, सबको रोज ना रोज रोज कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है, खुद को अपडेट रखना पड़ता है। तो दोस्तों, आप भी खुद को अपडेट रखिए, और मेरा चैलेंज है, ऐसा वीडियो आपने देखा नहीं होगा। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा ईएमएमसी का वीडियो हम शुरू करते हैं। वैसे ईएमएमसी के कुछ आईसी अलग होते हैं। ईएमएमसी को कैसे पहचाने? ईएमएमसी के पत्तों में कुछ विशेषता होती है, जैसे इसमें 3 आईसी होती है। इसकी मेन आईसी 8 जीबी से ऊपर होनी चाहिए या कम से कम 8 जीबी होनी चाहिए। इसकी आईसी आगे पीछे होती है एवं ईएमएमसी के प्लेटों में आईसी नॉर्मल साइज से बड़ी व मोटी होती है। सैमसंग के 8 जीबी व उसके ऊपर सभी पत्ते ईएमएमसी होते हैं। कुछ 32 64 के पत्तों को छोड़कर ईएमएमसी में सीपीयू नॉर्मल नहीं होती, ईएमएमसी की कोड भिन्न होती है। अब जैसे मैं आपको समझाऊं कि हमारा जो सीपीयू है वो प्योर आईसी में क्या होता है, या तो वो होता है मीडियाटेक, या तो वो होता है स्पेक्ट्रम, या तो वो होता है क्वालकॉम, कुछ बड़ी आईसीओ में एचपी का भी सीपीयू होता है। ईएमएमसी में क्या होता है, इन चारों को छोड़कर सीपीयू अलग कंपनी का होता है। मतलब अगर सेक कंपनी का मेन आईसी है तो सेक कंपनी का सीपीयू भी है। सैमसंग कंपनी का मेन आईसी है तो माइक्रोन का सीपीयू है। मतलब दोनों ही कंपनी का आईसी होता है, सीपीयू नॉर्मल नहीं होते, दोनों ही आईसी मेन होते हैं, या फिर 3 आईसी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम ईएमएमसी और प्योर ईएमसीपी को ऐसे अलग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, प्योर ईएमसीपी में ये सारे सीपीयू होती है, और अगर ईएमएमसी देखूं तो ईएमएमसी में जो है हमारा दोनों में ही दोनों आईसी मेन होती है, दोनों ही कंपनी की आईसी होती है। अगली बार अगर आपको हाथ में कोई ईएमएमसी आए तो आप समझ जाना कि प्योर आईसी होने के लिए एक मेन आईसी होना चाहिए और एक सीपीयू होना चाहिए। अगर आपको सीपीयू ना मिले तो समझ लेना ये ईएमएमसी है। ठीक है दोस्तों, तो ईएमएमसी का हम लोग पहले करते हैं हम सैमसंग आईसी से। इसको पार्ट वाइज मैं बनाऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए पार्ट वाइज बना रहा हूं इसको, ये पार्ट वन रहेगा। लेकिन मैं जैसे समझा रहा हूं आप समझो, आपको किसी से पैसे देके सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आपको ठगा ठग लिया, आगे से कोई ठग नहीं पाएगा आपको। KLM 8G, चौथा अक्षर में 8G है,
ये KLMIC है, EMMC में आप ये ध्यान देना KLM, ठीक है दोस्तों। ये KLM सीरीज जो है वो EMMC है, तो ये है 8 GB EMMC। आपको अगर कोई IC समझ में भी ना आए ना, मेरे को WhatsApp कर देना, मैं बता दूंगा। KLMAG लोगों, मैंने बहुत सारा वीडियो देखा YouTube में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद को अपडेट रखना पड़ता है। ये देखता हूँ लोग क्या सिखा रहे हैं, क्या गलत सिखा रहे हैं, जो मैं उन लोगों का पोल खोलूँ, ठीक है। वो लोग कोई अपने मन से सिखाना नहीं चाहते, बस उनको माल चाहिए कि WhatsApp में कॉन्टेक्ट करो, हम बता देंगे। हम डिटेल में नहीं बता सकते, इसका कोई भी कोड लिस्ट नहीं होता, लोग खुद बनाते हैं, सब भ्रम फैलाते हैं, ठीक है दोस्तों। सबका ही कोड होता है। तो KLM AG मतलब होता है 16 GB। KLM BG मतलब होता है 32 GB 32 GB EMMC। इसी तरह से KLM CG 64 GB EMMC है, ठीक है। अरे मैं GM क्यों लिख दे रहा हूँ, KLM। कुछ लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत छोटे यूट्यूबर है, कैरियर अभी शुरू करा, वही लोग सच बता रहे, बाकी सब गलत प्रचार कर रहे हैं कि लोगों को पता ना चल जाए और फिर हमारी कमाई कम ना हो जाए। लोग डर भी रहे हैं यार, लोगों को पता चल जा रहा है, लेकिन यार नियत साफ तो मंजिल आसान। अच्छे से काम करो, ईमानदारी से काम करो, ऊपर वाला तुम्हें आगे बढ़ाएगा। KLM की जगह KLU भी आ जाए तो भी जो है कोई बात नहीं, हमें चौथा अक्षर देखना है, चौथा पांचवा EG का मतलब हो गया 256 GB। और एक है KLUFG, ये 512 GB EMMC है। तो दोस्तों आपको KLM सीरीज का तो पता ही चल गया, बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा सैमसंग IC का EMMC। अगर मैं डिटेल में बताऊं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि EMMC क्या चीज़ है, क्या नहीं है, तो मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बता देता हूं। EMMC बेसिकली ऐसा है कि जो दूसरे भी उस फोन का IC उतरकर स्वैप होकर दूसरे फ़ोन पे भी लग जाए, ठीक है, उसको कहते हैं EMMC। सैमसंग का EMMC क्या होता है, सैमसंग का EMMC दूसरे फ़ोन पे भी लग जाता है। हालांकि ये सब रिपेयरिंग में आता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरे जो दोस्त हैं ना वो मोबाइल रिपेयर है, तो उनके पास बैठा रहता हूँ, तो बहुत कुछ सीखा है। तो बॉल का हिसाब होता है इसमें, 221 बॉल, 221 BGA और आपका 245 बॉल, ये सब हिसाब होता है। इनका वर्जन भी होता है 4.5, 5.1, ठीक है दोस्तों, ताकि ये कंपैटिबल हो, मतलब यहाँ का IC वहाँ पर लग जाए, उसे कोई ही EMMC कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ ओल्ड EMMC भी है जो मैं आपको सिखाऊंगा, ओल्ड EMMC कैसे पहचानते हैं। तो आज जो है हमने सैमसंग IC सीख लिया। अगर इसमें KLM 4G हुआ, कहाँ लिखूँ, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, समझ लेना। KLM 4G, कोई IS का तो एग्ज़ाम है नहीं, जो एकदम अच्छे से लिखना पड़ेगा, आपको समझाना है और आप समझो। KLM 4G, ये 4 GB है, ठीक है, 4 GB EMMC भी 4 GB में ही जाएगा, ठीक है। EMMC बनने के लिए कम से कम 8 GB की ज़रूरत है, और आजकल का जो मार्केट है भाई, सैमसंग की EMMC को छोड़कर बाकी सब कूड़ा है, कोई रेट ही नहीं है, 60 रुपये रेट EMMC के 8 GB जो दूसरे वाले हैं। तो चलो EMMC का भी रेट आएगा, बाजार तो ऊपर नीचे होता रहता है, सस्ते में मिल रहा है, सस्ते में खरीदो, सस्ते में बेचो। अब मैं जो है ना पेज पलट रहा हूँ,
और आपको क्योंकि मैं बोर्ड में बना रहा था तो मेरे दोस्त कह रहे कि यार बहुत दूर से बन रहा है, वो चीज़ें छोटी लग रही है, तो मैंने सोचा चलो यार ये पेज पे बना दूँ। मेरा मकसद है समझाना, आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है? आपको समझ में आ गया तो मेरा वीडियो बनाना सफल, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत होमवर्क करता हूँ, बहुत रिसर्च करता हूँ, और जब सब तब जाके जो है मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना के आता हूँ। तो अब है हम स्काइनिक्स आईसी में, एस के हाइनिक्स भी कहते हैं इसको, मैं एस के हाइनिक्स ही लिखता हूँ, ठीक है, एस के हाइनिक्स। इसमें देखो पूरा तो मैं नहीं लिखूँगा, जो मेन है वो ये स्टार्ट होता है एच 26 से, एच 26, उसके बाद फिर एम होता है। अच्छा, एम के बाद अगर 4 है तो 8 GB eMMC। अच्छा, एच के बाद एच 26, एम अगर 5 है, ये देखो ये 5100 भी हो सकता है, 5200 भी हो सकता है, 5100 भी हो सकता है, ये 4100 4200 कुछ भी हो, हमें सिर्फ ये देखना है M4 है या M5 है एच 26 के आईसी में, ठीक है? M5 है तो 16 GB, ठीक है? अगर किसी को लगता है मैं गलत सिखा रहा हूँ तो मुझे चैलेंज करो, ठीक है? फिर मैं प्रूफ के साथ जो है चैलेंज जीतना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों? क्योंकि सब वंड क्या क्या सिखा रहे पता नहीं, कोई बोल रहा है G1 मतलब 16 GB, G2 मतलब 32 GB, कुछ पता नहीं कहाँ से किसका देख के पता नहीं क्या क्या उल्टा फुल्टा सिखा रहे। M6 मतलब 32 GB, कोई बोल रहा है MediaTek, Spectrum, Qualcomm, यहाँ पर मेन IC होता है, कुछ भी। खैर, जितनी मेरे को जानकारी है दोस्तों, मैं ईमानदारी से आप लोगों को बता देता हूँ, अगर इससे आपको नॉलेज मिल रहा है तो वीडियो देखिए मेरा, और भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है वो भी देखिए। देखो नॉलेज कहीं से मिल रहा है तो थोड़ा टाइम दीजिए, पूरा सारा वीडियो देखिए मेरा। वीडियो देखने के लिए क्या करो, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, ये वाला वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो सफ़ीक रहीमुद्दीन जहाँ लिखा वहाँ पर क्लिक करो, पहले नंबर पे प्लेलिस्ट आएगा, दूसरे नंबर पे वीडियो आएगा, वीडियो में क्लिक करोगे लाइन से सारा वीडियो आ जाएगा, चुपचाप आराम से देखते रहो, कैरियर में फोकस करो, देखते रहो सीखते रहो, देखते रहो सीखते रहो, क्योंकि कोई फ्री में नहीं सिखाएगा भाई, खुद को थोड़ा या तो पैसे दो या तो समय दो, टाइम इज मनी। अच्छा, मैं बातों बातों में भूल गया, 7 हो तो 64 GB, M6 हो तो 32 GB, M5 हो तो 16 GB, M8 है तो क्या है 128 GB। H26 M9 512 GB eMMC। मैं थ्योरी इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जब मैं IC से भी समझाऊँ ना आपको समझ में आ जाए कहाँ पर ये M4 लिखा रहता है, M5, M6, M7, M8, M9, ठीक है दोस्तों? तो मैंने आज आप लोगों को 2 जो है कोड सिखाया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से अपना किसी में लिख लो, लिख के याद रखो, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब आप अच्छे से आपके दिमाग में आ जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने जो है EMMC सीरीज 1 ख़त्म किया है, कल जो है EMMC सीरीज 2 शुरू होगी, तो आप लोग मेरे से जुड़े रहिए। और अगर आपका कोई हमदर्द, क्योंकि बहुत जने को होता है ना कि कोई लोग खास होता है, कोई ख़रीदार खास होता है, जैसे मैं भी ख़रीदता हूँ माल, तो कुछ लोग मेरे खास है जिनको मैं सिखाना चाहता हूँ, तो मैं शेयर कर देता हूँ कभी भी मेरे को कोई नॉलेज मिलता है। तो ऐसे ही अगर आपके भी कोई खास है तो उसको ये वीडियो शेयर करो ताकि उसको भी सीखने में मदद मिले और वो 2 पैसे ज़्यादा कमाए, ठीक है दोस्तों? अच्छा, EMMC के रेट चलते चलते मैं बता दूं, EMMC के रेट अभी मेरे पास जो आए थे वो आए थे EMMC 8 GB सैमसंग का 80 रुपये और 32 GB EMMC मिक्स आया था 120 रुपये। तो मेरी राय है दोस्तों, अभी माल मत बेचो,
क्योंकि रेट आएगा आज नहीं तो 2-3 महीने बाद आएगा ही आएगा रेट। अगर नया माल आप खरीद रहे हो तो इसके 5-10 रुपए सस्ता खरीद के बेच दो, मेरी आपसे ये सलाह है। पुराना माल आपके पास रखा है तो बेचो मत, रखा रहने दो, ठीक है दोस्तों। ओल्ड ईएमएमसी सीखना है तुम्हें, अभी वो वाला भी सिखाऊंगा मैं तुम्हें, हाइनिक्स आईसी का H9 HK NNNN N 4G 8G B C D ये सब लिखा रहता है, तोशिबा आईसी सिखाऊंगा। अभी ईएमएमसी बहुत कुछ सीखना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मेरी वीडियो में थोड़ी सी भी आपको जेन्युइननेस अगर लगे तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। मेरे से पूछो, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप में आप मेरे को आईसी डालो, जो आईसी आप लोगों को समझ में ना आए, लिकिन है, बिबिन है, एलपीडा है, कोई सा भी आईसी हो, किंगस्टोन है, माइक्रोन, स्पेक्टेक, जो भी आईसी आप लोगों को समझ में आए मुझे व्हाट्सअप में इमेज डालो, फोटो डालो, मैं तुरंत जवाब दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं 2 मिनट रुका हुआ हूँ, सब्सक्राइब करो और मेरे को जो है मेरे वीडियो में इंटरेस्ट लो, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे जानकारी आप तक लाऊं, रैम सिखाऊं आपको कि कैसे कहां पर रैम लिखा रहता है ईएमसीपी में, ठीक है दोस्तों। इसी बात से मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूं, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया। जय हिंद, वंदे मातरम।